हेलो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड ऑफ ए बॉडी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करते। स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये जनरल कन्वर्जन है आपका, किलोमीटर आर पर आर इंटू द मीटर पर सेकेंड में हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी इज सेट टू हैव द यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बॉडी की जो स्पीड होती है दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब आपका ये इस तरह से वेरी करेगा डिस्टेंस टाइम के साथ एक यूनिफॉर्म स्पीड में। जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही होगी तो डिस्टेंस इस तरह से वेरी करता है टाइम के साथ, यानी कि ग्राफ कैसा होगा? द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंडेड एट सम एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस। ये ऐसे टाइम एक्सिस पे ऐसे झुका हुआ होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा टाइम एक्सिस के साथ। ठीक है, ओके, तो इस ग्राफ का हमें क्या बेनिफिट है कि इस ग्राफ से हम बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस ग्राफ का जो झुकाव होगा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, इस ग्राफ का जो टाइम एक्सिस पे झुकाव होगा, स्लोप होगा, दैट वो हमें क्या देगा? यूनिफॉर्म स्पीड। वो हमें क्या देगा? उस बॉडी की स्पीड। और अब हम इस एंगल थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, इस झुकाव को कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा की फॉर्म में निकालते हैं। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ पर हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, और उन पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने मिला दिया। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल सेम, यही एंगल होगा, ये एंगल सेम होंगे ना, पैरेलल, ये थ्योरम जो थी आपकी पैरेललैक्सिस थ्योरम, ये सेम होंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आपका टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला किसका होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि टेंजेंट थीटा यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द स्पीड। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है आपका कि जैसे आपको ग्राफ दे देंगे दो ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक ए और एक बी, एक एंगल 30 बना रहा है, एक एंगल 60 बना रहा है। तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन से की स्पीड ज़्यादा है, तो आप एंगल देखते ही बता दोगे, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे? बी इज मूविंग फास्टर देन ए। ठीक है, यदि निकलवा ले कि स्पीड कैलकुलेट करो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ 60 एंड टेंजेंट ऑफ 30। ठीक है, ए की स्पीड क्या हो जाएगी? टेंजेंट 30, और बी की स्पीड क्या हो जाएगी? टेंजेंट 60। तो हम क्या बोल देंगे? बी इज मूविंग फास्टर देन ए। ओके, ये था पीछे था हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, एक्स वर्सेस टी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब हम ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि हर टाइम पे बॉडी सेम स्पीड से चल रही है। तो ग्राफ क्या होगा? ऐसे हर जगह मान लो शुरू में बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है जब जीरो टाइम में, फिर किसी भी टाइम पे आपने देखा तो वो स्पीड वही है, तो ग्राफ इस टाइप से होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वी टी कर्व विल बी पैरेलल टू द
टाइम एक्सिस। ठीक है, इसका हमें क्या बेनिफिट है, जैसे पीछे वाले ग्राफ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वो कैसे, द एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर दिस ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल ए ओ सी पी, ये वाला एरिया जो है ये हमें बॉडी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस बता देगा। तो वो क्या हो जाएगा, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, दैट इज ओ ए गुणा में ओ सी, और ओ ए क्या है आपका, ओ ए क्या है हमारा वेलोसिटी स्पीड, और ओ सी क्या है हमारा टाइम। तो ओ ए इंटू ओ सी स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। और फार्मूले से भी हम बता सकते हैं, जैसे आपका स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, दैट इज स्पीड गुणा में टाइम। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।